हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोन पे वॉलेट में पैसा कैसे डालते हैं, कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा बहुत ही आसानी से फोन पे वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे यदि आप ऐड करते हो, सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर ऐड कैसे करना वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। दोस्त, यहाँ पर यदि मान लीजिए यदि वॉलेट में आप पैसा रखते हो तो होता क्या, कई बार आप कभी किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं या मोबाइल रिचार्ज कर रहे होते हैं तो आपका बैंक का सर्वर नहीं रहता है, बैंक काम नहीं करता है। उस केस में आपका वॉलेट का पैसा काफ़ी यूज़फुल होता है, यानी कि आप फोन पे वॉलेट का पैसा यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप 500, 1000, 1500, 2000 तक आप वॉलेट में पैसा कैसे रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्त, यहाँ पर आप बस अमाउंट डालते हैं। सबसे पहले आपको शुरू में ले जाता हूँ। आप फोन पे यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आता है और आपको यहाँ पे फोन पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्त, यहाँ पर आप फोन पे वॉलेट पर ही आप क्लिक कर देंगे। फोन पे वॉलेट में क्लिक करते हैं, देख सकते हैं 1 रुपये मैंने ऐड कर रखा जो कि लो बैलेंस है। आप यहाँ पर इंटर अमाउंट पर क्लिक करेंगे, 10 रुपये मैं कर देता हूँ अभी। तो प्रोसीड टॉपअप पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू टॉपअप पर क्लिक करना है। देख सकते हैं, सेट ऑटो टॉपअप मत करिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू टॉपअप पर क्लिक करिए इस तरह से। तो दोस्त, यहाँ पर ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। वॉलेट में पैसा ऐड करने के बहुत ही सही तरीका है। अब दोस्त, यहाँ पर आपके सामने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है, UPI, यूज़ अनादर UPI ID। तो दोस्त, आप क्या करेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट का यूज़ करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, इनका यूज़ करना चाहते हैं। तो हम अपने बैंक के पैसे को ही, बैंक अकाउंट के पैसे को ही अपने वॉलेट में रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो बस आप इसे सेलेक्ट कर रहने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पिन डालने का आ जाएगा, आपका फोन पे का जो भी पिन होगा तो यहाँ पर आप डाल देंगे। ध्यान रहे कि फोन पे में जो है अपना आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक का यूज़ कर पाएंगे। कैसे लिंक करना है, आई होप आपने लिंक कर रखा होगा, नहीं किया है तो आप हमारे फोन पे प्रॉब्लम सॉल्व रिगार्डिंग प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम अपना पिन डाल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना पिन डाल दिया, देख सकते हैं, और सही के टिक पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिवली सिक्योरली हो रहा है और 10 रुपये हमारा फोन पे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 11 रुपये हो चुके हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ऑटो टॉपअप का ऑप्शन सेट करने के लिए आता है, यदि आप चाहें तो आप ऑटो टॉपअप का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप मिनिमम 500 से 5000 रुपये तक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऑटो टॉपअप के ऑप्शन को। होता क्या है कि यहाँ पर ये पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काटने लग जाता है, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो दोस्त, बस आप यहाँ पर अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना सीख लीजिए अब। सो दोस्त, आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला है कि किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दोस्त, यदि वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं।